हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक रामेश्वर यादव है और मेरे दो दोस्त सिरू टप्पाव एंड नरपेश विश्वकर्मा और दीपचंद यादव। हमारा प्रोजेक्ट का नाम है पीएलसी वेस्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल सिस्टम और आगे का एक्सप्लेन मेरे दोस्त सिरू टप्पाव है। हमारे प्रोजेक्ट में मेन कॉन्सेप्ट हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि वाटर थेफ्ट से बचने के लिए अभी रूरल एरियाज में पानी का ज्यादा चोरी होता है तो फिर वाटर बहुत सेफ होता है। कोई मोटर लगा के पानी आ रहा है, जिसको जरूरत होती है वो मोटर लगा के पानी का सेफ करता है। तो हम लोग ने इससे बचने के लिए ये हमारा सर्किट है, हम लोग ने दोनों पाइप में प्रेशर सेंसर लगाया, एक प्रेशर वैल्यू सेट किया है। अगर कोई भी अगर वो पानी में से कोई प्रेशर पे पानी आ रहा है तो नॉर्मल रहेगा, अगर कोई भी पाइप का प्रेशर बढ़ता है या फिर कोई मोटर लगाता है मोटर लगा के पानी सर्व करता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने से ना हमारे सर्किट में इंडिकेशन होगा कि वो पाइप का सर्किट मतलब प्रेशर बढ़ गया है तो फिर हमारा सर्किट को बंद कर देगा, मतलब एक इंडिकेशन देगा और उसको बंद हो जाएगा। उससे क्या होगा कि पानी बच जाएगा, जिसका मतलब सबको इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे का जैसा कि अभी मेरे ग्रुप मेंबर ने बताया कैसे वर्क करता है, अभी हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसा करता है। कैसे इन रूरल एरिया में हमने दो पाइप के लिए दो लेवल डिटेक्टर बना रहे, लेवल डिटेक्टर वोल्टेज डिवाइडर बना है। उससे क्या होगा, एक सेट रेफरेंस वोल्टेज सेट किया हमने, अगर उस सेट रेफरेंस वोल्टेज से अगर वोल्टेज ज़्यादा आता है तो वो पर्टिकुलर पाइप का जो वेल है वो बंद हो जाएगा। इसके थ्रू पीएलसी के थ्रू हम लोग ऐसा लैडर लॉबी डिजाइन किया है। वो पाइप का पर्टिकुलर वेल ऑन हो जाएगा। जैसे मेरे दोस्त दीपचंद ने बताया कि ये होगा अपना रूरल एरिया, अपने अर्बन एरियाज में भी कुछ जरूरत होती है पानी की। कभी कभी देखा जाए कि वॉचमैन जो होते हैं हमारे आलसी होते हैं तो कोई कुछ ध्यान नहीं देता, कभी कभी क्या होता है अपना टैंक में जो पानी भरता है उससे अगर पानी पूरा भर जाता है तो पूरा ओवरलोड हो जाता है, पानी पूरा बाहर आ जाता है बिल्डिंग से। तो हम लोग ने 100% पे 50% पे 20% पे इंडिकेशन लगाया, उससे क्या होगा पानी की बचत होगा और बिना इंसान का यूज किए वो सब ठीक से हो जाएगा। 50% में मोटर लगाया, उससे क्या होगा 50% में जैसे पानी गया हमने सिग्नल सेंड किया, मतलब 50% जैसे 50% में पहुंचा मोटर चालू हो जाएगा, अपने आप पानी भरना चालू हो जाएगा। 100% पहुंचा पानी तो फुल हो गया, 100% में उसको बंद होना चाहिए। पर्टिकुलर मोटर लगाया अगर जैसे ही 100% हुआ उसके बाद मोटर बंद हो जाएगी। अपना ये हो गया ऑटो मैनुअल मोड, अभी अपना मैनुअल मोड में चालू है, मैनुअल मोड में इसके लिए सब बंद है, अभी ऑटो में करेंगे तो सब चालू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 50% का एलईडी इंडिकेटर है, अगर इससे कम हुआ पानी एलईडी ब्लिंक होना बंद हुई मोटर वन अपने आप चालू हो जाएगा, पानी भरना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही ये 100% पे पहुंचेगा पानी मोटर बंद हो जाएगा, मोटर वन अपने आप बंद पानी का वेस्टेज क्या जो पानी का वेस्टेज ओवरफ्लो वो रुक सकता है। और हमने मतलब तो सिस्टम में ऐसा कि नहीं कि ऑटो में ऑपरेट, हमने मैन्युअली सब स्विच लगा उससे हम इससे मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 50% पे इंडिकेशन पे मोटर वन चालू हो गया, इसी तरह अगर मोटर वन बंद हो जाता है खराब हो जाता है उस केस में ओवरफ्लो करने के लिए हमने इमरजेंसी स्विच लगाया है। जैसे हम स्विच चेंज करेंगे दूसरा मोटर अपने आप चालू हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ मोटर टू स्विच ऑफ मोटर वन। क्या होगा अपना जो भी चालू है प्रोसेस तो चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। और इन मैनुअल मोड जैसा कि अगर इंडिकेटर लगाया इमरजेंसी फॉर वाटर, अगर इमरजेंसी कंडीशन है जैसे 20% के नीचे अगर पानी है, 20% पे पानी है और मेन वेल बंद हो गया है लेकिन हमको उसे ऑन करना है, उसे भी ऑन करना है इन इमरजेंसी कंडीशन, अगर हमें ज़्यादा जरूरत है पानी की, समझो आग लग गई 20% पे हमें पानी चाहिए, अगर हमें स्विच प्रेस करते हैं तो जो मेन वेल है जो 20% पे जो मेन वेल बंद था वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, सोलेनाइड वेल
कनेक्शन है उसका सब बंद हो गया, मतलब ये जो मेन वेल है और दोनों वेल 20% पे बंद रहेगा, पानी डिस्ट्रीब्यूशन बंद रहेगा, इसे हम इमरजेंसी फॉर वाटर प्रेस करेंगे, सब अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा क्योंकि हमें इमरजेंसी कंडीशन में वाटर चाहिए। क्या होगा जिसको पानी चाहिए उसको मिलेगा? अरे आप इन्हें मैनुअल मोड पे, जैसे कि मे बी मोटर वन ऑन करना मैनुअल मोड पे, तो मोटर वन ऑन हो गया। पीएलसी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के एडवांटेज क्या मालूम है? ह्यूमन का वर्क, ह्यूमन वर्क कम होता है, इससे पानी की बचत है। जैसे 100% हमने मोटर वन बंद करने का कंसेप्ट लगाया, अगर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया तो मोटर वन अपने आप बंद हो जाएगा, तो उससे क्या आएगा जो ओवरफ्लो पानी का है वो कम हो जाएगा। और इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, सबको इक्वली पानी डिस्ट्रीब्यूट हो, जो पानी की चोरी कर रहा है उसका जो पर्टिकुलर वेल है वो बंद हो, और सबको जो ये लेवल देने का हमने कंसेप्ट लगाया उससे क्या ह्यूमन वर्क का जो बिल्डिंग एरियाज में वर्क रेड्यूस हो रहा है, फुल ऑटोमेटेड सिस्टम है और फ्यूचर में बीएमसी के लिए भी यूज होगा। हमारा डिसएडवांटेज है प्रोजेक्ट का कि इसका कॉस्ट ज्यादा महंगाई बहुत है, आज के जमाने में ये सब बहुत बीएमसी यूज करने से भी बहुत ज्यादा। और एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे